आज हम पढ़ेंगे प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों की तुलना। इससे पूर्व की कक्षाओं में इस अध्याय में तरंगे अध्याय में आपको अनुप्रस्थ तरंग, अंधेर तरंग, प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, अध्यारोपण का सिद्धांत आदि पढ़ाया गया है। उसी क्रम में आगे प्रगामी और अप्रगामी तरंगों का अध्ययन तुलनात्मक रूप में। प्रगामी तरंगे अप्रगामी तरंगे, प्रगामी तरंगे माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं, अर्थात प्रगामी तरंग माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। प्रगामी तरंगे माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं। और अप्रगामी तरंगे माध्यम में परिसीमाओं के बीच अपने स्थानों पर बनी रहती हैं, अर्थात अप्रगामी तरंगे माध्यम में परिसीमाओं के बीच अपने स्थानों पर बनी रहती हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग में सबसे पहले कि प्रगामी तरंगे जो हैं वह माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं और अप्रगामी तरंगे माध्यम में परिसीमाओं के बीच अपने स्थानों पर बनी रहती हैं। दूसरा, इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित होती है, माध्यम में ऊर्जा संचरित होती है। किनके द्वारा? प्रगामी तरंगों के द्वारा। और अप्रगामी तरंगों के द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित नहीं होती, अर्थात इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित नहीं होती। तो एक अंतर तो यह आ गया कि प्रगामी तरंगों के द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित होती है और अप्रगामी तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित नहीं होती। प्रगामी तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण, अर्थात इन तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है,
सूक्ष्म स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है तथा प्रत्येक कण का कंपन आयाम बराबर होता है तथा प्रत्येक कण का कंपन आयाम बराबर होता है। अप्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण कंपन नहीं करते, इसमें हो जाएगा इनमें माध्यम के सभी कण कंपन नहीं करते। अप्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण कंपन नहीं करते तथा प्रत्येक कण का कंपन आयाम भी बराबर नहीं होता तथा प्रत्येक कण का कंपन आयाम भी नहीं होता। आयाम का मान निष्पंद पर शून्य और प्रस्पंद पर अधिकतम होता है। आयाम का मान निष्पंद पर शून्य प्रस्पंद पर अधिकतम होता है। प्रगामी तरंगें माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं, अप्रगामी तरंगें माध्यम में परिसीमाओं के बीच अपने स्थानों पर बनी रहती है। प्रगामी तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित होती है, अप्रगामी तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित नहीं होती। इन तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है। प्रत्येक कण का कंपन आयाम तथा प्रत्येक कण का कंपन आयाम बराबर होता है, लेकिन अप्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण कंपन नहीं करते, सभी कण कंपन नहीं करते अर्थात अप्रगामी तरंग में माध्यम के सभी कण कंपन नहीं करते, प्रत्येक कण का कंपन आयाम भी बराबर नहीं होता। आयाम का मान निष्पंद पर शून्य होता है, प्रस्पंद पर अधिकतम होता है। इसके अलावा ये तरंगें किसी ध्वनि उत्पादक स्रोत के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, अर्थात प्रगामी तरंगें किसी ध्वनि उत्पादक प्रगामी तरंगें किसी ध्वनि उत्पादक
प्रगामी तरंगें किसी ध्वनि उत्पादक स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और अप्रगामी तरंगें विपरीत दिशा में अर्थात ये तरंगें विपरीत दिशा में संचरित ये तरंगें विपरीत दिशा में संचरित समान आयाम एवं समान आवृत्ति की प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से रोपण से उत्पन्न होती हैं। एक अंतर या ऐसा कहें तुलना इसमें ये हो गया कि प्रगामी तरंगें ध्वनि उत्पादक स्रोत द्वारा या ये तरंगें किसी ध्वनि उत्पादक स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और अप्रगामी तरंगें विपरीत दिशा में संचरित समान आयाम एवं समान आवृत्ति की प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों में दो क्रमागत श्रृंग अथवा गर्त या दो क्रमागत सिंह अथवा गर्त या दो क्रमागत संपीड़न अथवा विरलन अथवा विरलन के बीच की दूरी को एक तरंग दैर्ध्य लिम्डा कहते हैं। अप्रगामी तरंग के लिए क्या हो जाएगा? तो इन तरंगों में दो क्रमागत निष्पंदों अथवा प्रश्नों के बीच की दूरी को अर्ध तरंग दैर्ध्य अर्थात लेमडा बाई टू कहते हैं। यहाँ पर लेमडा मतलब एक तरंग दैर्ध्य और यहाँ पर लेमडा बाई टू का मतलब अर्ध तरंग दैर्ध्य। तो प्रगामी और अप्रगामी तरंग में एक तुलनात्मक बात यह आई कि प्रगामी तरंगें किसी ध्वनि उत्पादक स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, अप्रगामी तरंग विपरीत दिशा में संचरित समान आयाम एवं समान आवृत्ति की प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होती हैं। प्रगामी तरंगों में दो क्रमागत श्रृंग अथवा गर्त या दो क्रमागत संपीड़न अथवा विरलन के बीच की दूरी एक तरंग दैर्ध्य कहते हैं उसको, और एक प्रगामी तरंग में और अप्रगामी तरंगों में अर्थात इन तरंगों में दो क्रमागत निष्पंदों अथवा प्रस्पंदों के बीच की दूरी को अर्ध तरंग दैर्ध्य अर्थात लिम्डा बाई टू कहते हैं। इस प्रकार ये कुछ तुलनात्मक जानकारी प्रगामी और अप्रगामी तरंग के बारे में थी।
इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं विस्पन। विस्पंद की घटना दो ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण की एक विशेष अवस्था है। विस्पंद की घटना दो ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण की एक विशेष अवस्था है जिसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों में थोड़ा अंतर होता है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर रहती है। स्थिर रहती है मतलब जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम है वहां पर ध्वनि तीव्र ही सुनाई देगा, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम है वहां पर ध्वनि मंद सुनाई देगा। किस स्थिति में? जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्थिर रहती है। अर्थात जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम है वहां ध्वनि तीव्र ही सुनाई देगा, जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम है वहां पर ध्वनि मंद ही सुनाई देगा। परंतु जब आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, अर्थात जब आवृत्तियों में थोड़े से अंतर वाली दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो माध्यम के किसी भी बिंदु पर तीव्रता स्थिर नहीं रहती, बल्कि एक ही बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता घटती बढ़ती रहती है। इस घटना को विस्पंद कहते हैं। अर्थात विस्पंद को कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम, कि जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। एक चढ़ाव तथा एक उतार को मिलाकर एक विस्पंद कहते हैं। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच समय अंतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकेंड में जितनी बार ध्वनि की तीव्रता में चढ़ाव या उतार होता है उस संख्या को विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। तो यह था विस्पंद के बारे में जानकारी। विस्पंद को हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे पुनः, जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम
जब किसी माध्यम में लगभग समान आयाम सॉरी जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती बढ़ती रहती है। एकांतर क्रम में घटती बढ़ती रहती है। घटती बढ़ती ध्वनि की तीव्रता में होने वाले ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो यह विस्पंद का परिभाषा है कि जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। एक चढ़ाव तथा एक उतार को मिलाकर एक विस्पंद कहते हैं। विस्पंद के लिए कुछ शर्तें हैं कि शर्त क्या है, इसकी शर्तें हैं दोनों तरंगों की आवृत्तियां लगभग बराबर हो किंतु अंतर अवश्य हो। दोनों तरंगों की आवृत्तियां लगभग बराबर हो किंतु उनमें थोड़ा अंतर अवश्य हो एक शर्त यह है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां लगभग बराबर हो किंतु उनमें थोड़ा अंतर अवश्य हो। दोनों तरंगों के आयाम बराबर हों। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम बराबर हों। दूसरी शर्त इसमें यह है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर हों। यह है विस्पंद, जो कि व्यतिकरण की एक विशेष अवस्था है। अर्थात इस शब्द से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि व्यतिकरण और विस्पंद बिल्कुल एक नहीं है, तो कुछ अंतर है इसमें। वह अंतर क्या है? व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर, तो व्यतिकरण ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां बिल्कुल बराबर होती हैं व्यतिकरण में, जबकि विस्पंद में ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों में कुछ अंतर अवश्य होता है। व्यतिकरण में किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है। विस्पंद में माध्यम के किसी भी बिंदु पर तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ बदलता रहता है। व्यतिकरण में माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान स्थिर रहता है। विस्पंद में माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ बदलता रहता है। व्यतिकरण में माध्यम के किसी बिंदु पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन
नहीं होता। यद्यपि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, अर्थात यदि किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम है तो वहां पर अधिकतम ही रहेगी, यदि किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम है तो वहां पर न्यूनतम ही बनी रहेगी। किंतु विस्पंद में माध्यम के किसी भी बिंदु पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता घटती बढ़ती रहती है, अर्थात किसी बिंदु पर किसी क्षण ध्वनि की तीव्रता अधिकतम है तो वहां कुछ क्षण पश्चात उसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होगी। यह अंतर था व्यतिकरण और विस्पंद में। विस्पंद के उपयोग, जैसे वाद्य यंत्रों का स्वर मिलान में, वाद्य यंत्रों का स्वर मिलान से तात्पर्य क्या है, तो विस्पंद के अनुप्रयोग यानी बीट्स का अनुप्रयोग जो है संगीतज्ञ के दो वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्ति एक समान करने के लिए विस्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। यदि दोनों वाद्य यंत्रों की आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर है तो उन्हें अलग अलग बजाकर समस्वरित नहीं किया जा सकता, परंतु यदि दोनों वाद्य यंत्रों को एक साथ साथ बजाया जाए तो उनकी आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर होने पर विस्पंद सुनाई देगा। इस स्थिति में एक वाद्य यंत्र को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि विस्पंदों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगे और अंत में वे सुनाई देना बंद हो जाएं। इस प्रकार वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं, अर्थात विस्पंद का अनुप्रयोग हम देख लिए कि वाद्य यंत्रों का स्वर मिलान करने में किस तरीके से करते हैं संगीतज्ञ, तो संगीतज्ञ दो वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्ति समान करने के लिए विस्पंद की घटना का उपयोग करते हैं। यदि दोनों वाद्य यंत्रों की आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर है तो उन्हें अलग अलग बजाकर समस्वरित नहीं किया जा सकता, उन्हें अलग अलग बजाकर समस्वरित नहीं किया जा सकता, परंतु यदि दोनों वाद्य यंत्रों को साथ साथ बजाया जाए तो उनकी आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर होने पर विस्पंद सुनाई देगा। इस स्थिति में एक वाद्य यंत्र को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि विस्पंदों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगे और अंत में वे सुनाई देना बंद हो जाए। इस प्रकार वाद्य यंत्र समस्वरित हो जाते हैं। तो यह था विस्पंद का उपयोग। तो इस प्रकार से हम आज प्रगामी और अप्रगामी तरंगों के तुलनात्मक रूप में देखे तथा उसके पश्चात विस्पंद क्या है, विस्पंद की घटना के बारे में पढ़े, किस स्थिति में होती है, कैसे होती है, विस्पंद व्यतिकरण से किस प्रकार से अलग है। ठीक है, धन्यवाद।